जरा सुनिए ना काका, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जा भाग, अरे परेशान मत कर मुझे, चल निकल यहाँ से। सुनिए ना निताई काका, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। अरे रे बेचारा, मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ काका, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। अरे यूँ मांगने से क्या खाना मिलता है, पेट भर खाने के लिए काम करना पड़ता है, समझे? बोलिए ना निताई काका, मुझे क्या काम करना होगा? आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। तो सुनो, वहाँ जो मिट्टी पड़ी है उसे फावड़े से उठाकर बोरी में भरना होगा। अभी अभी कर देता हूँ निताई काका, अभी कर देता हूँ। चलो, मुझे दिन भर की मेहनत से छुटकारा मिला। हो गया सारा काम। निताई काका सारी मिट्टी बोरी में भर दी है, देखिए अब तो दीजिए। दीजिए क्या दू? अरे कुछ खाने को दोगे कहा था ना। ऐसा कहा था मैंने? आया बड़ा खाना मांगने के लिए, चल चल भाग भाग। अरे तू अब तक यही खड़ा है, जा जा बोला ना मैंने, जा। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, किसी ने खाना नहीं दिया मुझे, किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। निर्दयी है सब। ये क्या, ये मैं कहाँ गया हूँ? पहले तो कभी यहाँ नहीं आया था। बाप रे, कितनी डरावनी जगह है। अरे ये क्या, इस घने जंगल में ये झोपड़ी कैसी है? कौन रहता होगा यहाँ? हाँ कौन रहता होगा, देखो तो। अरे सुनिए, कोई है क्या इस घर में, कोई सुन रहा है? कौन कौन चिल्ला रहा है? भागो। अरे 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 भाग क्यों रहा है, डर किस बात का? करीबा बच्चे। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो। इतनी आसानी से तो नहीं, बड़े दिनों के बाद किसी इंसान की खुशबू मिली है। अरे वाह, ये तो बच्चे का मांस है, हाथ से कैसे जाने दो? मैं यहाँ से कैसे बच कर निकलूं? भाग जाता हूँ। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा तू, जब तक मैं तुझे जाने ना दूँ, समझा? मुझे छोड़ दो ना, मुझ पे दया करो, मुझे छोड़ दो। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने एक निवाला तक नहीं दिया। तो क्या तेरे माँ बाप कोई नहीं है क्या? नहीं कोई नहीं है। हाँ बेचारा, दुखी होगा छोटू। हाँ बहुत दुखी हूँ, जानती हो पड़ोसियों ने भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए मैं अपना घर और गांव छोड़कर वहाँ से चला आया। तू कहाँ जाएगा?
पता नहीं। हाय 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 बेचारा, हाय हाय हाय। अरे नहीं, लेकिन आप क्यों रो रही हैं बताइए? तेरी दुख भरी बातें सुन के मुझसे और रहा नहीं गया बेटा। हाय हाय हाय, और मत रो, मत रो बेटा, और मत रो। बोल बोल, क्या खाएगा बोल? जो मांगेगा मैं तुझे वही खिलाऊंगी, बोल। नानी माँ, नानी माँ, थोड़ा चावल देंगी तो चलेगा नानी माँ? तेरे की, रुक जा। चल चल, झटपट खा ले इन्हें। क्या, मैं खाऊं? हाँ, खा खा, जल्दी खा। अच्छा, अभी खाता हूँ। वाह वाह वाह, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया नानी माँ। शुक्रिया शुक्रिया नानी माँ, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? पता नहीं, जहाँ ये कदम ले जाएंगे वहीं चला जाऊँगा। की सुन, तुम मेरे पास रुक जा, हर रोज मैं तुझे इतना बढ़िया खाना खिलाऊंगी, हर रोज। सच सच कह रही है आप? अरे जैसा कहती हूँ वैसा कर, इंसानों के साथ तू और नहीं रह पाएगा, समझा? क्यों? और क्यों भला, तेरे जैसे बुद्धू राम के रहते हुए दिन रात भूखे रहकर लोगों का काम करता रहेगा, समझा? हाँ, ये तो सही है नानी माँ, क्या करूँ बताओ, बचपन में माँ बाबूजी को खो दिया, मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए तो इतना बुद्धू हूँ। इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ रह जा, थोड़ा सा अकलमंद हो जा, भूखे पेट बेकार में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ले ये ले। इस झाड़ू से क्या होगा नानी माँ? चल इस झाड़ू पे बैठ जा तू। क्या? इस झाड़ू पे बैठ के तू पूरे जंगल में घूमना, और जिस किसी को भी कुछ तकलीफ हो उसकी मदद करना, पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है नानी माँ, लेकिन मेरी अकल कमजोर है, क्या मैं कर पाऊँगा? हाँ हाँ जरूर कर पाएगा, और तेरे हर काम में तेरी मदद करेगा ये झाड़ू। जा जा अब भाग यहाँ से, जा भाग। अच्छा अच्छा नानी माँ। ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो घना जंगल है, कहीं शेर या भालू तो नहीं है? ये क्या, ये क्या, ये तो शेर की आवाज है, भागो भागो। इस झाड़ू से क्या होगा नानी माँ? चल इस झाड़ू पे बैठ जा तू। क्या? इस झाड़ू पे बैठ के तू पूरे जंगल में घूम।
जिस किसी को भी कुछ तकलीफ हो उसकी मदद करना। पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है नानी माँ, लेकिन मेरी अक्ल कमजोर है, क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ हाँ जरूर कर पाएगा, और तेरे हर काम में तेरी मदद करेगा ये झाड़ू। जा जा अब भाग यहाँ से, जा भाग। अच्छा अच्छा नानी माँ। मुझसे भूल हो गई झाड़ू भैया। मैं नानी माँ की बात भूलकर मदद किए बिना यहाँ से भाग रहा था। शेर मामा जरूर मुसीबत में होंगे, चलो देखता हूँ। क्या हुआ, क्या बात है शेर मामा? और क्या बताऊँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, शिकार करना तो दूर की बात, मांस भी ठीक से खा नहीं पाता। ओहो क्या करूँ क्या करूँ, काश काश मैं आपको थोड़ा मांस खिला पाता। अरे वाह, ये क्या बात हुई, ये तो गर्मा गर्म चिकन तंदूरी है। खा लीजिए, जल्दी जल्दी खा लीजिए। ये तो लाजवाब है, ऐसा चिकन तंदूरी मैंने आज तक नहीं खाया। लेकिन लेकिन हर रोज तो मैं आपको चिकन नहीं खिला पाऊंगा, आपको खुद अपना शिकार ढूंढना होगा। लेकिन मैं कच्चा मांस तोड़कर कैसे खाऊंगा, मेरे दांतों में वो ताकत कहाँ? ठीक है, कहीं से डॉक्टर साहब को ले आता हूँ, वो आपको नए दांत लगा देंगे। उधर उधर उस बरगद के पेड़ पर हमारा डॉक्टर बंदर रहता है, देखो अगर वो हमारी मदद कर पाए तो। ठीक है रुकिए मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सुनिए तो, डॉक्टर साहब। क्या हुआ, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे शेर मामा को नए दांत लगा दीजिए ना डॉक्टर साहब, वो कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। अरे मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं जा सकते? बहुत दिनों के बाद मुझे जंगल में खाने के लिए इतने अच्छे केले मिले हैं, अभी मुझे केले खाने दो, और मेरी अभी काम करने की कोई इच्छा नहीं है, समझे तुम? अच्छा ठीक है, केले खाना तो आसान है, पर आप तो मजे से चबा चबा कर खा रहे हैं, पर जरा सोचिए तो शेर मामा दांत के बिना बेचारे कुछ भी नहीं खा सकते। देखो तुम अभी कुछ भी कहो, लेकिन मैं फिलहाल अभी नहीं जा सकता, इतने अच्छे केलों को छोड़ के मैं हरगिज नहीं जा सकता। ओह केलों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकेंगे है ना? हाँ सही कहा झाड़ू भैया। अच्छा अच्छा ठीक है परेशान मत हो, जाइए झटपट जाकर शेर मामा को नए दांत लगा दीजिए, आपके केलों का मैं ख्याल रखूंगा। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जाइए जाइए जल्दी जाइए। बस कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है भाई, महाराज के सारे दांत मैंने लगा दिए हैं। चलो अब मुझे मेरे केले लौटा दो, सोच क्या रहे हो, चलो दे दो। झाड़ू भैया। अरे बाप रे इतने सारे केले, ये कैसा जादू है भाई, बाप रे, अरे मैं तो केलों के नीचे दबकर मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो बचा लो, अरे कोई तो बचा लो मुझे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, केले खाइए ना। मुझसे गलती हो गई, अरे मुझे कोई बचा लो, मुझे निकालो यहाँ से। बताइए
डॉक्टर का असली फर्ज क्या है? मरीज की सेवा करना, सिर्फ केले खाना नहीं है। तो आज से डॉक्टर साहब केले खाने के अलावा क्या करेंगे? सिर्फ केले नहीं खाऊंगा, पहले अपने डॉक्टरी का फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि आज के बाद मरीज का इलाज करना ही मेरा पहला धर्म होगा। तो अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ। हाँ? क्या हुआ दोस्त? मैं तो इस जंगल का राजा हूँ और तुमने मुसीबत में मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लो, इसे ले लो तुम। हाँ? इतने सोने के सिक्के? ये इनाम लेकर आराम से घर जाओ और अपना जीवन तुम खुशी खुशी बिताओ। नहीं नहीं दोस्त, नहीं, मैं इस जंगल से कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? गांव के लोगों से, आप लोग बहुत अच्छे हो, लालच जलन कुछ भी नहीं है आप लोगों में, मिलजुल के कितने खुश रहते हो सब। लेकिन क्या करोगे तुम इस जंगल में? क्यों? नानी माँ से मिले इस जादुई झाड़ू पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करूँगा और जिसे भी मुश्किल में देखूंगा उसकी मदद करूँगा। बढ़िया बढ़िया, तुम इस जंगल में आराम से रहो। शुक्रिया शुक्रिया शेर मामा।